WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो बहुत जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजे आने वाली, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग रिएक्शन करेंगे मोदी साहब के ऊपर। और इसका जो टाइटल है वो टाइटल ये लिखा हुआ है, पीएम मोदी इन SCO रशिया चाइना, और आगे हिंदी में कुछ इंडिया के आगे कुछ लिखा हुआ है। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, स्पेशली हमें भी बहुत मजा आएगा। तो पहले आप लोगों का टाइम जाए कि बिना पहले इस वीडियो को शुरू करते, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो पहले वीडियो को शुरू करते, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, SCO की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। SCO के सदस्य देश वैश्विक GDP में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी SCO देशों में निवास करती है। भारत SCO सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 77.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य SCO सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके SCO के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ SCO देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें SCO के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर
सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो व्यूअर्स आई होप यार बहुत मजा आया। स्पेशली यार मतलब मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मोदी सर के अंदर इस कदर कॉन्फिडेंस है यार, मतलब इस जबरदस्त किस्म की उन्होंने स्पीच की है। और स्पेशली जो गुजरात के अंदर इतना बड़ा ग्लोबिंग एक हब बन रहा है, ठीक है, WHO ने जो मतलब इधर ओपनिंग कर दी है यार, ये इंडिया के लिए स्पेशली गुजरात के लिए बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग है यार। मतलब WHO ने स्पेशली एक ग्लोबल बनाया है उनको हब को। और दूसरी जो ये बात कर रहे थे इंडिया के, जो इंडिया बहुत बड़ा हब बनने वाला है और इतने ज्यादा प्रोजेक्ट हो रहे हैं यार स्पेशली, मतलब हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते थे यार, मतलब इंडिया इस कदर आगे चला जाएगा, स्पेशली उनकी इकोनॉमी, उनकी GDP, उनकी जो सिटीज की, एक हर सिटीज की अपनी GDP ऊपर जा रही है, हर सिटीज की अपनी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। तो यार स्पेशली ये तो इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त डील हो रही है। और स्पेशली यार जो रशिया के और आई थिंक चाइना के जो बैठे हुए थे यार, उनको तो इन्होंने अपनी स्पीच से हैरान कर दिया। मतलब बिल्कुल यार कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो नहीं हुआ है, बिल्कुल एक इस तरह इन्होंने बात की जैसे लाइक अपने कमरे में बैठे हुए थे, अपने रूम में बैठ के लाइक स्पीच कर रहे थे। स्पेशली यार मोदी सर की स्पीच देखकर तो मैं बड़ा यार एक इंस्पायर हूँ। और स्पेशली यार मतलब आई हैव नो वर्ड्स यार, स्पेशली मोदी सर इज वेरी गुड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यार, मतलब इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त मतलब बात कर रहे हैं यार। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो देखनी हो इतना इंटरेस्टिंग, आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, हमें अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं, हम उससे जरूर वीडियो बनाएंगे। और यार मैंने एक और बात देखी है इंडिया की, मतलब जो मोदी सर है इनकी लास्ट वीडियो भी मैंने देखा था कि मतलब इन्होंने एक अजान पे बड़ा रिस्पेक्ट दी थी यार, मतलब वो मुझे वहां से यार स्पेशली वो तो हमारे स्पेशली हमारे हीरो बन चुके हैं यार, मतलब इतनी जबरदस्त इन्होंने उस टाइम स्पीच करते करते इन्होंने अपने माइक्स को जो थे ना ऑफ कर दिया था यार, मतलब यार ये बहुत बड़ी बात थी स्पेशली मोदी सर के लिए। और स्पेशली गुजरात में बहुत सारे काम हो रहे हैं जो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, स्पेशली इनकी जमात DGP है ना, तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपनी जमात को। और स्पेशली इंडिया के जो लोग हैं अपनी पॉलिटिक्स में वो तो मोदी सर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।